एशिया कप की बात तो करनी बनती ही है। श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने साथ छोड़ दिया है पीसीबी का, और पीसीबी थोड़े से मुश्किल सिचुएशन में है। समझते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन इसी के पहले अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई थोड़ा बहुत प्यार इधर भी बरसा दीजिए। बेल की घंटी अगर आपने नहीं बजाई तो भाई बजा दीजिए, भाई किसके लिए वेट कर रहे हो। लाइव अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे मेरी तरफ से, और कमेंट तो बनता ही है भाई, इतना तो मेरा हक है। जाते हैं एशिया कप के ऊपर। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया है, और इनिशियली पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल एक बहुत नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ब्लैकमेल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वही किया है पाकिस्तान ने कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आके आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो यही किया। और उसके रिप्लाई में श्रीलंका ने इनिशियली सपोर्ट कर दिया था पीसीबी को, बांग्लादेश ने भी सपोर्ट कर दिया था। फिर हुआ आईपीएल का फाइनल, जहां पे ये सारे बोर्ड्स को इनवाइट किया गया था, और आप जानते हैं कि बीसीसीआई एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, और उन्होंने अग्री करवा दिया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए कि भाई हाइब्रिड मॉडल रद्द किया जाए। अब रीज़न क्या दिया गया है? रीज़न दिया गया है कि भाई लॉजिस्टिक्स हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे ट्रैवल करना, तो लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? बेसिकली सामान की हेरा फेरी। अब अगर पार्ट वन एशिया कप का अगर पाकिस्तान में हो और पार्ट टू कहीं और हो, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आजकल के टीम्स हैं इसमें सिर्फ 15 या 16 लड़के और कुछ सपोर्ट स्टाफ, 4-5, ऐसा नहीं होता। अब जो ये जो टीम्स हैं वो एक उनका सपोर्ट स्टाफ उतना ही बड़ा होता है जितनी उनकी टीम है। उसमें मेस्योर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग टाइप किस्म के ये सारे, तो इतना बड़ा जो स्क्वाड होता है उनको ट्रैवल करवाना एक बहुत बड़ा एक्सपेंस हो जाता है। उनके ट्रैवल करने के साथ साथ जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, अब जाहिर सी बात है जो क्रिकेट के किट बैग्स है ये सब कुछ है, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाना ये सब कुछ, ये भी एक कॉस्टिंग होती है और उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। अब ये इतना बड़ा इश्यू तो है नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे आप आईपीएल देखते हैं या दूसरे टूर्नामेंट्स देखते हैं, वहाँ पे भी इंटरनली ये जो टीम्स होती है ये पूरे सेटअप के साथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बाय एयर ट्रैवल करते हैं, इसमें कोई भी बाय रोड नहीं होता। तो अगर उनको शिफ्ट करना था पाकिस्तान से, फॉर एग्जांपल श्रीलंका या पाकिस्तान से यूएई, तो ये कोई एक बड़ा इश्यू नहीं था। लेकिन जब आपको एक रीज़न चाहिए होता है तो भाई आप एक तिनका भी ढूंढ सकते हैं और वो तिनके को तिनके से आप आग भी लगा सकते हैं। तो यही किस्सा हुआ है। चारों बोर्ड, जो टोटल 6 बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है, नेपाल क्रिकेट बोर्ड क्योंकि वो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, उनका वर्ड इतना मैटर करता है नहीं, पावरफुल नहीं है, और छठे पीसीबी खुद है जो जिनके पास होस्टिंग राइट्स है। अब पीसीबी ने लास्ट बोला था कि भाई या तो हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो या फिर हम एसीसी को रद्द कर देंगे। अगर एसीसी को रद्द कर दिया तो बीसीसीआई ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है पहले कि भाई हमने 5 नेशन टूर्नामेंट हम कर देंगे, हमारे पास 5 टीम्स रेडी हैं वो स्लॉट में खेलने के लिए। अब ये 5 टीम क्यों? 6 टीमों का एशिया कप है, अगर पाकिस्तान को हटा दिया जाए तो 5 टीमें बच जाती हैं। ये मेरा मानना है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बताई नहीं गई, लेकिन ये माइंड गेम्स होते हैं जो जिसकी वजह से ये 5 टीमों की बात की जा रही है। हो सकता है कि इसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज या दूसरी कोई बड़ी टीमें भी पार्टिसिपेट करें, लेकिन बीसीसीआई ने सिर्फ इतना ही बोला है 5 टीमों का टूर्नामेंट ये ब्रैकेट में करवा दिया जाएगा। क्यों एशिया कप रद्द नहीं होगा? क्योंकि पीसीबी को काफ़ी फंड्स मिलते हैं होस्टिंग के लिए, जो ब्रॉडकास्टर्स प्रोवाइड करते हैं और एसीसी सपोर्ट करता है इनको ये होस्टिंग के लिए, क्योंकि इसमें एसीसी का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। तो अगर उन्होंने ये होस्टिंग राइट्स छोड़ दिए तो उनके लिए सबसे पहले वो जो फंड्स जो उनको मिलने वाले हैं उनका नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात है कि उनकी इमेज भी खराब होगी और ये पीसीबी होने नहीं देना चाहेगा।
इसी वजह से मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा एशिया कप शिफ्ट हो जाएगा श्रीलंका में, जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन पीसीबी कंसिडर कर रहा था पाकिस्तान और यूएई, और सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो फेवरेबल ऑप्शन होगा और एक्सेप्टेबल ऑप्शन होगा सबके लिए वो होगा श्रीलंका, और ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट चला जाएगा श्रीलंका में। क्यों बीसीसीआई अगेंस्ट है इसको भी हम कवर कर लेते हैं। भाई देखिए, सबसे पहले अगर बीसीसीआई एक बार ट्रैवल करेगा, बीसीसीआई एक ब्रांड बन चुका है, इसको हम अग्री कर लेते हैं सबसे पहले कि वो एक ऐसी लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे जो उसके बिल्कुल ही पीछे है वो उससे काफी ही पीछे है। तो अगर बीसीसीआई अगले 2-3 साल तक क्रिकेट ना भी खेले तो भी जो सेकेंड है वो शायद उसको ओवरटेक ना कर पाए, वो ये लेवल पे पहुंच चुका है। तो वो अपना डोमिनेंस सबसे पहले तो दिखाना चाहेगा, जाहिर सी बात है क्यों नहीं। जब आप पावरफुल हो तो आप बताना चाहोगे भाई हाँ भाई हम है, हम ही है वो। तो सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो पीसीबी है, अगर बीसीसीआई है, अगर एक बार ट्रैवल कर गया पाकिस्तान तो उसको अगली बार जो इवेंट्स होंगे जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी या वर्ल्ड कप फॉर एग्जांपल अगर होस्टिंग राइट्स मिल गए पाकिस्तान को, तो ये सारे इवेंट्स के लिए भी बीसीसीआई को ट्रैवल करना पड़ेगा और इसकी वजह से ये इवेंट्स वहाँ शिफ्ट होंगे। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कंटेंशन में नहीं हो तो ये सारे जो होस्टिंग राइट्स हैं वो एशियन पब्लिक जो एशिया की जो ऑडियंस है वो बहुत ही लार्ज कंज्यूमर्स है वर्ल्ड क्रिकेट की, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स एशिया में होते हैं। अगर इंडिया को कोई कॉम्पिटिटर ना मिला तो इंडिया सबसे बेस्ट स्पॉट होगा होस्टिंग के लिए, साइज की वजह से, ऑडियंस की वजह से, स्पॉन्सर्स की वजह से। तो इसी वजह से ज़्यादातर आईसीसी के इवेंट्स होते हैं इंडिया में। तो इसी के चलते बीसीसीआई पीसीबी को खड़ा नहीं होने देना चाहता है। तीसरी चीज़ है कि अगर पीसीबी में इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत सारा होने लगा तो उसका डेवलपमेंट इन द टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारे रिसोर्सेज और एज अ पार्ट इकोनॉमी एज वेल, क्योंकि इकोनॉमी को तो जाहिर सी बात है पैसे आएंगे तो इकोनॉमी को इफेक्ट होगा ही, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट करेगी पीसीबी को, जो बीसीसीआई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई अगर हम ही नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड लीडर्स हैं, हम डोमिनेटर्स हैं मार्केट के, तो अगर हम ही नहीं जाएंगे पाकिस्तान तो हमारे बिना तो इवेंट होगा ही नहीं। और फाइनल रीजन जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा रीजन है, अगर पाकिस्तान कोई इवेंट में ट्रैवल नहीं किया तो उसके बिना वो इवेंट शायद हो भी जाए और उसमें नुकसान और खामियाजा सिर्फ पाकिस्तान का होगा। और लेकिन अगर एक वर्ल्ड इवेंट आईसीसी इवेंट हो रहा है और उसमें अगर इंडिया नहीं है तो शायद वो आईसीसी इवेंट हो ही नहीं, वो शायद रद्द हो जाएगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग है बीसीसीआई, तो वो डोमिनेंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। क्या पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है या बार्टर कर सकता है कि भाई अगर हमें होस्टिंग राइट्स के सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम आईसीसी इवेंट में ट्रैवल नहीं करेंगे? नहीं कर सकता। क्यों? जिद एक एक जगह पे होती है, लेकिन रियलिस्टिकली अगर हम बात करें, फैक्ट्स पे बात करें, वैल्यूएशंस पे बात करें, इकोनॉमी पे बात करें, तो पीसीपी इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड नहीं है। उनका जो सबसे बेस्ट रेवेन्यू मेकिंग मॉडल है वो है पीएसएल, और वो भी अभी अपकमिंग स्टेजेस में, ग्रोथ मॉडल में, तो वो अभी ग्रो हो रहा है। तो एट दिस पॉइंट अगर आईसीसी का जो रेवेन्यू उनको मिलता है, जो एक बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन है, वो अगर आईसीसी से मिलना बंद हो जाए तो पीसीबी ब्रेक डाउन हो जाएगा। शायद इमीडिएट नहीं तो 1-2 या 3 साल के अंदर 100% हो जाएगा, क्योंकि इतना इम्पैक्ट आईसीसी करता है वो रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर। तो ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू होगा पीसीबी के लिए। तो पीसीबी डेफिनेटली आईसीसी इवेंट पे जिद कर सकता है, लेकिन अपनी जिद मनवा नहीं सकता, क्योंकि उसमें उसका काफ़ी नुकसान होगा और उसको वो ये नुकसान सहन करने की इस वक्त पे कंडीशन में नहीं है। आगे चलते हैं, क्या होगा मेरा फाइनल कंक्लूजन एशिया कप को लेके? एशिया कप होगा और वो होगा श्रीलंका में, अपने टाइम पे होगा
और मुझे लग रहा है कि आपको पसंद हो या ना हो, पाकिस्तान ये एशिया कप जीतेगा। आप में से काफी लोग डिसएग्री करेंगे, मुझे बताइए क्यों डिसएग्री करेंगे। मेरे पास अपने पॉइंट्स हैं, अपने रीजंस हैं, जिसको मैं डिस्कस करूंगा जब ये एशिया कप फाइनल हो जाएगा। और इसी के साथ, मेरा नाम है प्रणव मेहता, और अगर आपने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लीजिए यार, बेल की घंटी बजा दीजिए, थोड़ा सा प्यार इधर भी शेयर कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत